गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ आज कचौड़ियाँ, और कचौड़ियाँ आज बनेंगी मूंग दाल की, जो कि मैंने भिगो के धो के रखी है। इसको मैंने सुबह भिगोया था, वही जब मैं उठी थी 6:30 के आसपास तब मैंने भिगोई थी। 2.5-3 घंटे हो गए हैं तो अच्छे से फूल गई हैं, और ये छिलके वाली थी। वैसे मेरे घर में मूंग दाल की कचौड़ी बनी है, लेकिन बहुत कम बनती हैं, ज़्यादातर आलू की बहुत ज़्यादा बनती है, उसके बाद चने की दाल या फिर उड़द की दाल की, उसकी बहुत ज़्यादा खाई जाती है उड़द की दाल की। लेकिन आज मैंने मूंग की दाल की बनाई है, तो बस यहाँ पे तैयारी भी मैंने कर ली है। और ये छिलके वाली दाल है, लेकिन धोने पे इसके छिलके सारे निकल गए हैं, और मैंने इसमें रख दी थी चलने में ताकि पानी सारा निकल जाए। और बस फटाफट तैयारी भी कर ली है मैंने यहाँ पर, और रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो सबको आती है भाई कचौड़ियाँ, सभी को बनानी आती हैं, लेकिन मैं आज बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो भाई रेसिपी भी शेयर करती हूँ आप सबके साथ। और मसाले भी मैंने थोड़े से भुने सूखे, काली मिर्च, सौंफ, धनिया और जीरा। तो बस दाल को पहले पीस लूँ, उसके बाद में। वैसे तो कचौड़ियाँ हैं धुली हुई दाल की ज़्यादा बनती हैं, लेकिन छिलके वाली दाल में भी कोई ख़राबी नहीं होती है, और छिलके वाली दाल तो पौष्टिक होती है। और भिगोने के बाद जब हम दाल धोते हैं तो बहुत सारे छिलके इसके निकल भी जाते हैं, तो इस टाइम पे आप इसमें दाल में अदरक, हरी मिर्च, लहसुन भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दाल पीस रही हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा मोटा या महीन नहीं पीसना है, इसका दरदरा सा पेस्ट होना चाहिए इस तरीके से। दाल तो मैंने यहाँ पर पीस ली, लेकिन आज नुकसान हो गया। मैं दिखाऊँ, मिक्सी में जो ब्लेड होता है उसका वो टूट गया एक टुकड़ा, इसी वजह से मैं गीली दाल नहीं पीसती हूँ। गीली दाल जब होती है तो बहुत ज़्यादा मिक्सी जाम होती है, जबकि मैंने पानी भी थोड़ा सा डाला था, लेकिन ये कि आज नुकसान हो गया। अब इसमें जो पूरा ब्लेड पड़ता है पूरा वो दूसरा डलवाना होगा, फिर चल भी नहीं रही है। एक ब्लेड टूटा तो बड़ी आवाज़ कर रही है, 2 साल पुरानी है। हाँ, 2 साल हो चुके हैं, पहली बार नुकसान हुआ है कुछ मिक्सी का। अभी नुकसान तो भाई हो चुका है, लेकिन भाई कचौड़ियाँ तो बनेंगी, क्योंकि मैंने दाल भी भिगोई है, तो अब तो कचौड़ियाँ बननी बननी है। तो जो मैंने मसाला भुना है उसको मैंने निकाल लिया है अदरक कूटने वाले में, और उसके बाद तेल रख दिया था, तेल गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा मैंने उसमें हींग जीरा डाल दिया है। और हींग जीरा चटकने के बाद मैंने उसमें डाल दिए हैं लहसुन, हरी मिर्च जो भी मैंने काट के रखी थी बारीक बारीक, और इसको थोड़ा सा मैंने पकाया है। फिर मैंने डाली है हल्दी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया है, और बेसन को बिल्कुल हल्की आँच पर 3-4 मिनट तक पकाना है। तो बेसन जब पक गया है उसके बाद मैंने जो दाल पीस के रखी है तो वो डाल दी है, और मैं फिर से एक बार आप सबको दिखा रही थी वही ब्लेड जो टूट गया है। तो चलिए कोई नहीं, ब्लेड तो टूट गया है, दूसरा लग जाएगा। लेकिन अभी इस दाल को हमें भूनना है काफ़ी टाइम तक, करीब वही 15-20 मिनट तक, एकदम धीमी आंच पे। और जब भी दाल की कचौड़ी बनाए, वो कोई भी दाल हो, तो आप कढ़ाई या तो नॉनस्टिक पैन ले या फिर लोहे की कढ़ाई ले, एल्युमिनियम की कढ़ाई में बिल्कुल भी ना बनाए, क्योंकि एल्युमिनियम की कढ़ाई में बहुत जल्दी ये दाल चिपकती है। लेकिन जब एक बार भुननी शुरू हो जाती है तो ये तली को छोड़ने भी लगती है, और अच्छे से भुन जाती है, फिर नहीं चिपकती है। तो यहाँ पर ये जो दाल है मैंने अच्छे से भून ली है, और भूनने के बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं थोड़े से ऊपर से मसाले, हरी धनिया, थोड़ा सा हींग और आमचूर पाउडर। उसके बाद जो मैंने मसाला भूना था तो उसको मैंने दरदरा कूट के डाला है, और बस ये फिलिंग तैयार हो चुकी है कचौड़ियों में भरने के लिए। और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में 8-10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस ये जब तक ठंडी हो रही है मैं एक तरफ आटा लगाऊंगी, तो इधर मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है, और आटे में वही हींग, जीरा, नमक, और उसके बाद थोड़ा सा मोयन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि मोयन से हमारी कचौड़ी थोड़ी सी खस्ता बनती है, और मूंग दाल की जो कचौड़ियाँ होती हैं वो खस्ता अच्छी लगती हैं। तो बस इसको मिक्स करके यहाँ पे मैंने आटा लगाना है मुझे, तो बस आटा भी मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और थोड़ा सा टाइट लगाया है, और उसके बाद बननी शुरू हो गई हैं कचौड़ियाँ। तो कचौड़ियाँ सबको बनानी आती हैं, किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो आलू की हो, दाल की हो, किसी भी चीज़ की हो, सभी को आती हैं बनानी। और मैं जिस तरीके से बस बना रही थी तो उसी तरीके से मैं शेयर भी कर रही हूँ। मैं छोटी छोटी सी बनाती हूँ, और वैसे भी मूंग दाल की जो कचौड़ी होती हैं वो छोटी छोटी ही अच्छी लगती हैं, आलू की या फिर कोई और फिलिंग हम बेल लें, लेकिन जो दाल की कचौड़ी होती हैं वो थोड़ा हाथ से ही दबा दबा के जब हम बनाते हैं तो वो अच्छी बनती हैं, फटती नहीं है, फूटती नहीं है कढ़ाई में। तो मैं बस छोटी छोटी सी बना रही
रही हूँ और बनाने के बाद मैंने उनको डाल दिया है कढ़ाई में, तेल गर्म हो चुका था अच्छे से, और बस इनको चलाना बिल्कुल नहीं है, इनको एकदम मीडियम आँच पे पकाना है और ये अपने आप फूल कर ऊपर आ जाएंगी, और इनको हल्का हल्का सा पलट देना है जब एक तरफ से ये हो जाए। चाय भी रख दी है और इधर ये बन चुकी है, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। मेरा तो खाने का मज़ा ही आज खिलखिरा हो गया, जो मिक्सर का वो ब्लेड टूट गया है, बार बार मैं उसी को सोच रही हूँ, फिर अब ले जाके बनवानी पड़ेगी। तो चलिए कोई नहीं, चीज़ें बनती हैं, ख़राब होती हैं तभी बनती हैं। तो इधर कचौड़ियाँ पक रही हैं और मैंने बर्तन वगैरह भी कर दिए थे, थोड़े से पड़े हैं। हाथ के हाथ काम करते जाओ तो फिर किचन में जो है गंदगी कम होती है। तो बस यही आखिरी खान बचा है, मैं और जान भी बचे खाने के लिए, और चाय रख लीजिए। चाय एक बार बन के फिर ठंडी हो गई थी, और कचौड़ियाँ वैसे भी चाय के साथ अच्छी लगती हैं, पराठे हों कचौड़ियाँ हों, ये सारी चीज़ें चाय के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो बस चाय बना लूँ, ये वाली कचौड़ी निकाल दूँ, बस मैं आखिरी वाला ही खान ले कर जाऊँगी, क्योंकि गर्म है करा रही हूँ। तो बस तुम भी उठा दो, क्योंकि सब लोग खा चुके हैं, ये भी खा चुके हैं, पापा जी भी खा चुके हैं, इनको मैं रखूँगी टिफिन में, वही लेके जाऊँगी, ये गर्म है। और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए आके गर्मा गर्म कचौड़ी चाय। तो अभी तो आ गई हूँ छत पर, और इधर मैंने ये कल लहसुन छील के रखा था तो इतना सारा है, और थोड़ा सा उधर सूप में भी मैंने रखा है सूखने के लिए, ज़रा सा बच गया था। तो इधर हमारी बिटिया रानी तब तक कचौड़ी लेकर ऊपर आई हैं और चाय भी लेकर आई थी, तो बस दोनों लोग बैठ गए हैं, इंजॉय कर रहे हैं चाय और कचौड़ी। सर्दियों में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और आजकल क्या है जो एक्सरसाइज होती है वो उसकी तो सच में बैंड बज गई है। सर्दियों में दिसंबर और पूरी जनवरी तो कुछ नहीं कर मिलता है। तो बस हम दोनों माँ बेटी खा रहे थे, साथ में हंस भी रहे थे आपस में बात करके, कि ऐसा तला बुना खा खा के जो है ना मोटे हो रहे हैं, पेट निकल रहा है, लेकिन कोई नहीं, सर्दियों में थोड़ा सा हो भी जाता है, और सर्दियों में एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं हो पाती है। बहुत तेज़ निकली है, बहुत तेज़ हो रखी है, हवा भी चल रही है लेकिन धूप बहुत तेज़ है। और अभी खा पी चुकी हूँ, यहाँ पे जैक भी बैठा है इधर, ये देखो ये ऊपर आ गया धूप में, इसका भी बिस्तर मैंने साफ किया, जो ये कम्बल ओढ़ता है वो मैंने धुल के डाला है, वो पड़ा है, सूख भी गया है। और इसकी रजाई गद्दे पे जो कवर चढ़ा था वो इसने फाड़ दिया था, फिर पूरी सर्दी अभी 15-20 दिन तक वो वहीं चढ़ा रहा उसी पे, उसको मैंने धोया भी नहीं, इसने फाड़ दिया था पंजे से। तो इसके गद्दे का कवर भी बनाना है, गद्दा मैंने धूप में डाला है, तो अभी जो है यहीं पे बैठ के इसके गद्दे का कवर भी मैं सिल दूँगी, फिर वो क्या है गद्दा गंदा कर देगा अगर उसका कवर मैं नहीं सिलूँगी, तो फिर ये ऐसे बैठेगा, फिर गद्दा गंदा हो जाएगा, और कवर क्या है निकाल के उसको फिर धो दो, तो कवर सिलूँगी। गद्दा भी धूप में पड़ा है और जैक भी यहाँ पर आके बैठ गया है, धूप मार ली है, इसके कान में चोट लगी है, करीब एक हफ्ते हो गए हैं इसको, बराबर में दवाई भी डेली देती हूँ, अब तो सही हो गया है। जैक इधर देखें, जैक इधर, जैक इसमें चोट मार ली है इसमें, इधर देखें, इधर इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर इधर इसमें चोट लगाई है, ये वाले कान में देखें, देखें 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 देखें, ये वाले कान में इसमें चोट है, इसमें चोट, हाँ दिखा देता है इसको, दवाई लगाते हैं वो भी जिस डालने के लिए दी है वो दवाई, और खाने के लिए अलग, तो ये दिखा देता है, जब इससे कहो कि कान दिखाओ तो ये बड़े आराम से दिखा देता है। अभी हमारे जैक के जो डबल बेड के गद्दे का कवर भी बन चुका है, बस मुझे हंसी आ गई, मैंने डबल बेड कह दिया गद्दे का कवर, क्योंकि ये फाड़ देता है नाखून से, मैंने तीसरा कवर बनाया है जब से इसको मैंने गद्दा बनवाया है तब से, तो फिर क्या है गंदा हो जाता है गद्दा, तो मैं कवर जब ये फाड़ देता है तो फिर मैं दूसरा चढ़ाती हूँ, और फाड़ता भी इस तरीके से है कि वो कवर सिलने लायक नहीं होता है,
तो आज मैंने फिर से इसके जो है ना फटे हुए कवर को उतार दिया था, और दूसरा जो है मतलब ये चादर भी पुरानी थी, और यहाँ पे मैंने इसको ज़रा सा यहाँ पे छोड़ा है ताकि मुझे बहुत ज़्यादा सिलना ना पड़े, तो इसको भी मैं सिल दूँगी। तो यहाँ पे भाई गद्दा रेडी हो चुका है हमारे जैक के लिए। और उसके बाद मैं नीचे चली गई थी, नीचे कचौड़ियों के जो बर्तन थे दोपहर के खाने के, चाय के बर्तन, तो वो सारे किए। फिर उसके बाद मैं शाम में आई हूँ कपड़े उतारने। 4:10 हुए हैं, तो जैक का बिस्तर रखने के बाद मैं आई थी नीचे, फिर जो बर्तन पड़े थे कचौड़ियों के वो साफ किए, और आज मेरे कमरे की लाइट गुल हो गई है, इसका बल्ब ख़राब हो रखा है, और जो कल कपड़े मैंने रखे थे तो यहीं पेटी पे रखे हैं अंधेरे में, कल शाम में ख़राब हो गया था, तो आज अभी शाम में लेके आएंगे लगाएंगे, छोटा वाला जल रहा है। चाय रखी गई थी मैं, चाय बॉयल हो चुकी है, और यहाँ पे आई है सब्ज़ी, तो ये सब्ज़ी मुझे साफ़ करनी है। चाय बॉयल हो चुकी है, तो चाय में रख के गई थी, कपड़े उतारे हैं तब तक जो है ना बॉयल हो गई, ये सब्ज़ी मुझे धुलनी है, अभी लेके आए हैं। ये हरा वाला प्याज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे घर में, इनको मुझे दोनों को बहुत अच्छा लगता है, तो कल सुबह यही बनाऊँगी हरा वाला प्याज। और क्या है, मशरूम लेते हैं, मशरूम बच्चों को अच्छे लगते हैं, मशरूम जानवी को और आर्यन को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं मशरूम, मुझे हरा वाला प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। और लहसुन भी सूख गया है तो मैं इसको लेकर आई हूँ, यहीं पे रखा है, तो अभी पेस्ट बनाऊँगी चाय पीने के बाद। और मिक्सी लगाने के नाम से फिर जो है ना मन दुख जाता है, वो जार का जो ब्लेड टूट गया तो दूसरे वाले में पीसूँगी, जो छोटा वाला है ग्राइंडर उसमें पीसूँगी, जिसमें चटनी वटनी बनती है। और अभी इस वाली वीडियो का एंड भी करती हूँ यहीं पर, मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग में, तब तक की